हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा में। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि रेलवे ग्रुप डी भर्ती का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का काम शुरू है और बहुत सारे जोन्स में ये ख़त्म भी हो चुका है। अहमदाबाद जोन से शुरू हुआ ये डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन 12 अप्रैल से शुरू हुआ और अब बहुत सारे जोन्स में आखिरी पड़ाव पे है। और इस समय पे आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट्स पे एक नोटिस आई है और ये ट्रेंड कर रहा है इस टाइम पे ये नोटिस। तो जान लीजिए कि नोटिस आखिर में है क्या, अगर आप अभी तक नहीं जान पाए हैं, और अगर आप जान पाए हैं तो क्यों आई ये नोटिस, इतने लेट में कब आई, क्यों आई, जबकि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट का काम लगभग लगभग समाप्त होने की कगार पे है। क्या रिश्वतखोरी की शिकायतें हुई उसके नाते आई, या मेडिकल टेस्ट में धांधली हुई है उसके नाते आई, यही सब बताने के लिए इस वीडियो में मैं हाजिर हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि हमारी अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंच जाया करें। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप किसी भी वेबसाइट पे जाएंगे, रेलवे रिक्रूटमेंट की कोई भी वेबसाइट हो, तो उस वेबसाइट पे अभी एक नोटिस देखने को मिल रही है। देखिए, मैं आरआरबी इलाहाबाद की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गया हूँ और यहाँ पर 13 तारीख की डेट में आपको एक नोटिस दिख रही होगी। ये नोटिस देख लीजिए, थोड़ा सा मैं बड़ा करके दिखाता हूँ आपको। ये 13 तारीख में नोटिस आई है और ये नोटिस इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है कैंडिडेट्स के बीच में कि आखिर में ये नोटिस क्यों आई। और नोटिस किस बारे में है, नोटिस टू कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्टेड फॉर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन अंडर CEN 2/2019 ऑन मेडिकल एग्जामिनेशन। यानी ऐसे कैंडिडेट्स जो शॉर्टलिस्ट किए गए हैं डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए और जिनका मेडिकल एग्जामिनेशन टेस्ट हो रहा है, और वो भी आरआरबी ग्रुप डी की वैकेंसी 2018 में। तो इस वैकेंसी से रिलेटेड इन्होंने नोटिस जारी करी है, कब आप देख लीजिए। आरआरबी ग्रुप डी की लगभग सभी वेबसाइट्स पे, आरआरबी की सभी वेबसाइट्स पे नोटिस 13 तारीख में आई है और ये अभी भी शो हो रही है। और अब ऐसे टाइम पे आई है जब लगभग लगभग ये सारा काम खत्म हो चुका है। क्या क्या बचा है मैं आपको सारी चीजें आपको इस वीडियो में डिटेल में बता रहा हूँ। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि ये नोटिस आखिर में है क्या। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, एक नोटिस ओपन हो जाएगी और वो नोटिस एग्जाम से रिलेटेड है, आरआरबी ग्रुप डी के वैकेंसी से रिलेटेड है। देखिए, ये नोटिस ओपन हो गई। दोस्तों देखिए, ये जो नोटिस जारी की गई है, सबसे पहले मैं आपको लास्ट डेट दिखा देता हूँ। 13 तारीख को जारी की गई है, 13 मई 2019 को। और जारी किसने किया है, चेयरपर्सन ने, सभी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के सभी जो डायरेक्टर्स हैं उन्होंने जारी किया है। आप देखिए क्या नोटिस है एक्चुअल में, इस नोटिस का औचित्य क्या है इस टाइम पे। देखिए लिखा हुआ है, मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यानी ये जो नोटिस है कहीं ना कहीं टोटली मेडिकल एग्जामिनेशन पे, जो मेडिकल टेस्ट आपका था उसी पे बेस्ड है। अब क्या क्या हुआ है आप भी हमको बताएं कमेंट बॉक्स में, कि क्या आप जब डीवी देने गए थे उस टाइम पे भी कोई ऐसा मामला सामने आया जिसमें आपको लगा हो कि हाँ यहाँ पे कोई संदेह है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद जब मेडिकल टेस्ट होता है, आप उसमें जाते हैं, तो रियल प्रोसेस क्या रहा है ये तो आप जानते ही होंगे, लेकिन ये नोटिस क्या इंडिकेट कर रही हूँ मैं पढ़ के समझाता हूँ। देखिए लिखा हुआ है, द कैंडिडेट्स द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स बेस्ड ऑन देयर मेरिट इन CBT कंडक्टेड फॉर लेवल 1 पोस्ट अगेंस्ट CEN 2018। कह रहे हैं कि जो CBT के मार्क्स के आधार पे बुलाया गया था कैंडिडेट्स को, CBT हुआ, उसके बाद PET हुआ, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, उसके बाद में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए कॉल किया गया स्टूडेंट को, और उसके बाद में फॉलोड किया गया, मतलब उसके बाद में हुआ मेडिकल एग्जामिनेशन, और वो अभी अंडर प्रोसेस है कुछ जोन्स में, कुछ जगहों पे तो खत्म हो चुका ऑलरेडी वेरियस रेलवे रिक्रूटमेंट सेल्स। फिर ये कह रहे हैं कि रिगार्डिंग मेडिकल एग्जामिनेशन, कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड दैट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ DB, कह रहे हैं कि जब आपका DB कंप्लीट हो जाए और उसके बाद में मेडिकल एग्जामिनेशन विल बी कैरीड आउट बाय रेलवे हॉस्पिटल, रेलवे के हॉस्पिटल्स होते हैं। अगर रेलवे का हॉस्पिटल नहीं भी होगा तो कोई अथराइज सेंटर वो करेंगे जहां पे आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। कैंडिडेट्स हैव टू पे द प्रेस्क्राइब्ड मेडिकल एग्जामिनेशन फी ऑफ ₹16 ओनली। देखिए कुछ जगहों के जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के एडमिट कार्ड डाउनलोड हुए वहां पे ₹24 लिखा था, कुछ पे ₹32 लिखे थे और कुछ जगहों पे ₹16 भी लिखे थे। ये था ऑफिशियल फीस। यहाँ पे मेंशन किया गया है कि जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद में मेडिकल इंटरेस्ट, मेडिकल एफिशिएंसी टेस्ट है या
मेडिकल टेस्ट है उसके लिए 16 रुपए की फीस हमने निर्धारित करी है। उसके बाद में लिखते हैं देर आर नो अदर चार्जेस टू बी पेड टू द हॉस्पिटल फॉर द मेडिकल एग्जामिनेशन। अब आप हॉस्पिटल में गए तो आपको इन 16 रुपए के अतिरिक्त किसी और चार्ज को देने की जरूरत नहीं है। मेडिकल एग्जामिनेशन के दौरान हॉस्पिटल के किसी भी इम्प्लॉई को, डॉक्टर को, जो भी कोई भी वहां पे काम करने वाला है, वर्कर है, उसको किसी भी तरीके से 16 रुपीज से ज्यादा आपको नहीं देनी है। फिर कह रहे इन रेयर केसेस वेयर द इन्वेस्टिगेशन लाइक सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, टेस्ट टू रूल आउट रिफ्रेक्टिव आई सर्जरी एटसेट्रा, करें जहां जिस हॉस्पिटल में सीटी स्कैन की सुविधा नहीं है या अल्ट्रासाउंड नहीं है या ऐसे टेस्ट नहीं है जो रिफ्रेक्टिव आई सर्जरी, मतलब जिन्होंने आँख की लेसिक लेजर सर्जरी या ऐसी कोई सर्जरी करवा रखी हो कि उसको हम डिटेक्ट कर पाए, ये इंस्ट्रूमेंट हमारे पास ऐसे नहीं है जो कि इस फैसिलिटी के लिए जरूरी है और वो अवेलेबल नहीं है रेलवे हॉस्पिटल में, उस कंडीशन में, देन फॉर सच इन्वेस्टिगेशन, उस कंडीशन में कैंडिडेट्स हैव टू मेक द रिक्विजाइट पेमेंट टू द कंसर्न्ड लेबोरेटरी या हॉस्पिटल। उस केस में क्या करेंगे, आपको किसी दूसरे लेबोरेटरी या किसी दूसरे हॉस्पिटल में भेजेंगे और उस टाइम पे, अब चूंकि वो रेलवे का हॉस्पिटल नहीं है तो आपको फुल चार्ज करेगा, तो जो फीस वहां पे लगेगा 100 रुपया 200 रुपया 500 रुपया जो भी होगा वो लेंगे और उसकी आपको बाकायदा इनवॉइस देंगे, मतलब उसकी आपको स्लिप मिलेगी कि इतना रुपया हमने इस टेस्ट का दिया। अब दिक्कत क्या हुई है कैंडिडेट्स, अब फिर यहां मैं बता देता हूं कि ये नोटिस क्यों आई कि इससे ज्यादा मत देना। कारण क्या है, बहुत सारे जोन्स में जैसे ही डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद लड़के पहुंचे मेडिकल टेस्ट में, उस टाइम पे कुछ ना कुछ कमियां शो की गई। किसी को नॉकनी सिंड्रोम पे निकाल दिया गया कि आपके पैर मुड़े हुए हैं, किसी को फ्लैट फुट पे निकाल दिया उन्होंने कि आपके पैर फ्लैट है एकदम, और किसी को जैसे V1 C2, अब जो भी कैटेगरीज थी उस कैटेगरी में एंट्रेंस ना करके दूसरे में करके वो सब में फेल कर दिया। ये तमाम दिक्कतें आई हैं। कुछ लोगों को कलर विजन में बाहर करके सारे टेस्ट से फेल कर दिया। तो देखिए ये जो क्राइटेरिया था, आपको पता होगा कि कई कैटेगरी में, कई लेवल में बटा हुआ है, A1 है, B1 है, B2 है, C1 है, C2 है, ये जो कैटेगरीज बनी हुई हैं, मेडिकल कैटेगरीज हैं ये, और इसके आधार पे आपका टेस्ट होना था, आपको पता होगा। तो उन्होंने क्या किया कि टेस्ट कुछ जगहों पे अलग अलग हुए, कुछ जगहों पे हाइड्रोसील टेस्ट हुआ, कुछ जगहों पे नहीं टेस्ट हुआ, कुछ जगहों पे पाइल्स चेक हुआ, कुछ जगहों पे पाइल्स नहीं चेक हुआ, कुछ जगहों पे कलर विजन टेस्ट हुआ, कुछ जगहों पे कलर विजन टेस्ट नहीं हुआ, कुछ जगहों पे आई विजन, मतलब जो फार साइट और नियर साइट था उसका टेस्ट हुआ, कुछ जगहों पे बिल्कुल नहीं हुआ, कुछ जगहों पे सीटी स्कैन हुआ और कुछ जोन्स में बिल्कुल हुआ ही नहीं। तो ये सारी डिस्क्रिपेंसीज थे, इन्होंने अपने मन से कुछ रूल्स बनाए कि हमको ये करना है ये नहीं करना, और उसके नाते बहुत सारे जोन्स में शिकायतें मिली कि बच्चों से अतिरिक्त फीस लिया गया कि हमको ये टेस्ट करना है। अब आपका ECG होगा, ECG में सबसे ज्यादा पैसा बच्चों से लिया गया क्योंकि ECG लगभग सब जोन में हुआ। शुगर टेस्ट जहां पे हुआ, शुगर टेस्ट का 100 रुपया उन्होंने ले लिया, क्योंकि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कि आपको कोई चार्ज नहीं देना, लेकिन हर टेस्ट का उन्होंने क्या किया, अलग अलग चार्ज कर लिया, क्योंकि अब ये कारण क्या था मुझे नहीं पता, लेकिन 16 रुपए का ही फीस देना था। यहाँ पे फिर से आगे के पैराग्राफ में लिखा हुआ था, कैंडिडेट्स में नोट दैट ऑल द रिक्रूटमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज बाय रेलवे इज प्योरली ऑन मेरिट बेसिस। आपको बताया जा रहा है कि जो कुछ भी आपके RRB में हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ आपके CBT की मेरिट के बेस पे हो रहा है और मेरिट के आधार पे ही आपका सिलेक्शन होना है। एंड कैंडिडेट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू मेक एनी पेमेंट टू एनी अथॉरिटी, और आपको इसके लिए किसी को भी कुछ भी फीस देने की जरूरत नहीं है किसी भी केस में। और वो सिर्फ जो भी आपको फीस देनी है वो 16 रुपए की फीस देनी है। बहुत सारे लोग एक्टिव हैं जो पैसा मांग रहे हैं। हमारे ही वीडियो पे कमेंट आया था, एक बच्चे ने कमेंट किया था कि 5,000 रुपए मुझसे लिए गए थे घूस के रूप में और मेडिकल एंट्रेंस पास करवाने के लिए, मेडिकल टेस्ट पास करवाने के लिए। तो ये जान लीजिए कि ऐसा हुआ क्यों। बहुत सारे कैंडिडेट्स ने कहा हाँ मुझसे भी लिया गया, लेकिन अब आपने भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन दिया है तो आप इसको, इस बात को क्लियरली बता सकते हो कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के तुरंत बाद जब मेडिकल का टेस्ट हुआ उस टाइम पे आपसे पैसा इसका लिया गया कि नहीं लिया गया। सुनने में बहुत सारे जोन्स में आया कि ऐसा कुछ एक्चुअल में नहीं हुआ है,
लेकिन कुछ एक जोन्स में ऐसा हुआ, हमने इलाहाबाद में पता किया, तो कुल मिला करके विजिलेंस टीम को ऐसे 17 केसेस मिले थे, 17 रिप्रेजेंटेशंस मिले थे जिसमें बच्चों ने शिकायत की थी कि उनसे ज़्यादा फीस लिया गया और कोई रसीद भी उनको नहीं दिया गया। रसीद वही उनके जो एग्जामिनेशन फ़ी की शुरू में कटती है वही मिली, बाद की रसीद कोई नहीं मिली। तो ऐसा हर एक जोन में हुआ, सुनने में आया कि भोपाल में ऐसा हुआ, मुंबई में ऐसा हुआ, कोलकाता डिवीजन में भी ऐसा हुआ, अहमदाबाद में शुरू में कुछ बच्चों ने आरोप लगाया, हालांकि बाद में उसको करेक्ट कर लिया गया। तो ये आप लोगों ने डिफरेंट जोन्स में परीक्षा दी है और मेडिकल दिया है, तो आप लोग हमको बताएं कि क्या आपके साथ में भी ऐसा हुआ या नहीं हुआ, या जो रिश्वतखोरी का आरोप लगाया जा रहा है वो एक्चुअल में सही है या नहीं सही है। और ये जो नोटिस आई है कहीं ना कहीं तो इस बात का इंडिकेशन जरूर है कि इन लोगों ने भारी मात्रा में गड़बड़ियां करी हैं, और जिसके नाते लास्ट में जाकर के लास्ट स्टेज में उसको ये नोटिस निकालनी पड़ी कि भैया आपको कोई अतिरिक्त फीस नहीं देना है, अगर इससे ज़्यादा आप फीस दे रहे हो उस केस में आप जान लो कि आप गलत कर रहे हो, यही फीस आपको देनी है। तो ये नोटिस खुद में एक इस बात का इंडिकेशन है कि रेलवे के मेडिकल टेस्ट में कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है। अतिरिक्त चार्ज वसूला गया है कैंडिडेट से, तो आपको भी बताना है कमेंट बॉक्स में कि ऐसा कुछ आपके साथ में भी हुआ है या नहीं हुआ है। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में एक चीज़ और यहाँ पे लिखा है कि अगर आपके साथ भी कोई कंप्लेन हुई है, इफ एनी ऑन द एबव मे बी ब्रॉट टू द नोटिस, विजिलेंस डिपार्टमेंट को तुरंत सूचित करिए RRB के। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।